हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर लंबे लंबे सेंटेंसेस का इंग्लिश बनाना बताइए ना। तो एक बार मैं बताया था, फिर भी मैं फिर से दोबारा वही चीज़ बता देता हूँ कि किसी भी लंबे सेंटेंस को, यानी कितने भी लंबे सेंटेंसेस को आप चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो। ओके फ्रेंड्स, टेंस की जानकारी है और बेसिक नॉलेज है तो आप कितने भी लंबे सेंटेंसेस को चुटकियों में बना देंगे। बस ज़रूरत होती है दो चीज़ों को पहचानने की, सब्जेक्ट और वर्ब। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बनाते वक्त जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादातर लगभग एक ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है वो जो मूल चीज़ होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम कितने भी लंबे सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, वह गाली देता है, वह गाली देता है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट क्या है पहचानना आपको। सब्जेक्ट जो पहले होता है, जो काम करने वाला होता है, यानी कि इसमें कौन गाली देता है? वह। तो वह गाली दे रहा है तो फिर वो हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद होता है वर्ब। मैं आपको स्ट्रक्चर इधर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? गाली देता है, यानी कि गाली वो क्या कर रहा है? गाली दे रहा है, गाली देता है। तो गाली देना वर्ब हो गया, तो उसको हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, ही अब्यूजेस। अभी अब्यूजेस क्यों हो गया, अब्यूज क्यों नहीं हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये नियम है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ही अब्यूजेस, वो गाली देता है, इतने में हो गया। अब इससे हम इसी सेंटेंस को बढ़ाते जाएंगे। अब इसके अलावे मेन चीज़ क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान हो गई, तो उसके बाद जो कुछ भी आएगा उसको बाद जोड़ते जाओ, उस सेंटेंस में उसको जोड़ते जाओ। देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। वह गाली देता है, इसमें क्या ऐड किया हमने? वह मुझे गाली देता है, इसमें मुझे हो गया। तो ये चीज़ जो मेन चीज़ है वो तो पहले लिखाया गई, क्या है? ही अब्यूजेस। उसके बाद इसमें क्या आया? मुझे आया, तो अब्यूजेस मी, वह मुझे गाली देता है। अब यही सेंटेंस है, वह मुझे गाली देता है, इसको हमने थोड़ा सा एक शब्द बढ़ा के लंबा किया। वह मुझे रोज़ गाली देता है, तो इतना तो लिख ही देना है, ही अब्यूजेस मी, इतना तो लिख देना है। फिर उसके बाद क्या जुड़ा उसमें? रोज़, एवरी डे, ही अब्यूजेस मी एवरी डे। अब इसी सेंटेंस को हमने इसमें एक शब्द और जोड़ के और लंबा कर दिया है, वह मुझे रोज़ बिना कारण गाली देता है। इसमें क्या जोड़ा गया? बिना कारण। इसमें आप देखते जाइए, ये तो ऐसे ही जैसे कि तैसे लिख देना है, ही अब्यूजेस मी एवरी डे, ही अब्यूजेस मी एवरी डे, इतना हो गया। अब इसमें क्या जुड़ा है? बिना कारण, विदाउट एनी रीज़न, एनी रीज़न। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम चाहे सेंटेंस कितना भी लंबा हो उसका इंग्लिश हम चुटकियों में बना सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानने की। ओके फ्रेंड्स, हम और एक सेंटेंस लेते हैं फिर समझते जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, इसको आप ध्यान से पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सकता शक्ति वाला है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो समझ में आ जाता होगा कि सकता शक्ति है तो कैन लगा कर बनाते हैं, सिंपल है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो पता है आपको, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसमें अगर हेल्पिंग वर्ब लग रहा है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब है कैन के रूप में, तो कैन यानी कि उसको हम वर्ब भी बोल सकते हैं, ये वर्ब है कैन, और सेकेंडरी वर्ब भी इसमें है, पढ़ाना। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी सेंटेंस सकता शक्ति
सकता है, सकते हैं, सकता हूँ, इस तरह से होता है, उसको हम कैन लगा कर बनाते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, तो सकता सकती है तो कैन ही लगेगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, उसके बाद कैन लगेगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो इसमें मेन वर्ब है क्या है, मेन वर्ब पढ़ाना। ओके फ्रेंड्स, पढ़ाना तो टीच, आई कैन टीच यू, ये हो गया, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू। अब इसमें मैंने एक और कुछ जोड़ दिया, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो इसके बाद ये जैसा कहते वैसा लिख देना है, आई कैन टीच यू इंग्लिश। अब इसमें मैंने एक और शब्द जोड़ के इसको और लंबा कर दिया है, मैं तुम्हें रात में इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, इसमें क्या जोड़ा है, रात में, तो ये तो सेम लिख देंगे, आई कैन टीच यू इंग्लिश एट नाइट, ध्यान रहे कि नाइट के लिए हम एट लिखते हैं, इन नाइट नहीं लिखते हैं। मैं तुम्हें रात में फ्री में इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, फ्री, यहाँ पर फ्री जोड़ा हमने, तो ये तो ऐसा ही लिखा आएगा, आई कैन टीच यू इंग्लिश एट नाइट, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, कितना इजी है ये सब बताने का मेन जो उद्देश्य है मेरा, कि आप मेन चीज़ समझ जाओ उसमें, कि सेंटेंस में कितना भी लंबा सेंटेंस है उसमें आप मेन चीज़ समझ जाओ कि सब्जेक्ट क्या है, उसमें वर्ब क्या है। अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगा, उसके बाद जो भी आ रहा है उसके बाद वो आप ज्वाइंट करते चले जाओ, ठीक है। बिल्कुल आपको डायरेक्ट ऐसा लंबा मिल रहा है सेंटेंस, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखना होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें। जैसे मैंने इसमें बोला, अगर डायरेक्ट कोई आपसे या आपको इस तरह का लंबा सेंटेंस बोलना पड़े, मैं तुम्हें रात में फ्री में इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, कैन आ जाएगा, मेन वर्ब क्या हो जाएगा, पढ़ाना आ जाएगा, तो अब क्या पढ़ा सकता हूँ तुमको, इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, मैं सुबह सेब खा सकता हूँ, तो इसमें मैं सुबह सेब खा सकता हूँ, तो आई कैन ईट एप्पल इन द मॉर्निंग, इसमें एप्पल हम बाद में भी बोल सकते हैं, आई कैन ईट इन द मॉर्निंग एन एप्पल। ओके फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो कुछ भी आ रहा है आप लिखते चले जाओ, बोलते चले जाओ, गलत नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद आपको बोलते बोलते खुद आइडिया हो जाएगा बोलने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि लंबे से लंबे सेंटेंसेस को चुटकियों में इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। आप कुछ दिन तक इस तरह के सेंटेंसेस लिखकर, एक एक शब्द लगाकर, बढ़ा बढ़ा कर उसका प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं होता है। आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट इस तरह के लंबे सेंटेंसेस को इंग्लिश में अनुवाद करने में आप समर्थ हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी किया कीजिए।